अम्बाला शहर में जनता का मूड जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं और जनता क्या कहती है, क्या यहां पर क्षेत्र में विकास हुआ है या क्षेत्र विकास से महरूम रह गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जनता से बात करेंगे। आप यहीं की रहने वाली हैं, अम्बाला शहर की? मैं यही अम्बाला की रहने वाली। क्या है इस पर, क्या जनता सोचती है, क्या विकास का कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? ये हमारा यही कहना है कि विकास आजकल बीजेपी की सरकार में विकास बहुत हुआ है, क्योंकि पहले जो था तो कुछ भी नहीं था, कांग्रेस के टाइम में कुछ भी नहीं था। आज के मतलब टाइम में बीजेपी ने इतना लेडीज़ के लिए मतलब वो किया है ना, तो हम बहुत खुश हैं। पहले क्या होता था, पहले कोई सिलेंडर नहीं मिलता था, कुछ नहीं होता था, बच्चे भूखे बैठे रहते थे और लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। और आज की बीजेपी सरकार में इतनी लेडीज़ को सहूलत मिली है, घर बैठे हमें बहुत मतलब वो हो रहा है, घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है। और आज की बीजेपी सरकार में लेडीज़ इतनी सेफ मानती है अपने आप को, कोई कहीं रात को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, हम कल भी बीजेपी सरकार के साथ थे, हम आज भी बीजेपी सरकार के साथ। बीजेपी सरकार, आप क्या करते हैं? मैं ये पकड़ लूँगा। हाँ जी, क्या करते हैं? हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम रामचंद्र है, हम वार्ड नंबर 8 के निवासी हैं। अच्छा। हम ये सब आए हुए वार्ड नंबर 8 के ही निवासी हैं और हम सारा दिन भाजपा के साथ ही हैं। ठीक है, भाजपा के, लेकिन आप तो पार्टी के साथ में आप हो गए ना, तो पार्टी के साथ हो गए तो विकास थोड़ी ना मान लिया जाए? नहीं, हाँ हाँ जी हाँ, ये पार्टी ने बहुत विकास किया है, वो ऐसे कि बुढ़ापा पेंशन जो हमारी बैंकों में आ गई है, इससे बढ़िया और काम कोई नहीं है। एक बात कर लेते हैं, क्या करते हो? मेरा प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है, क्या विकास का कार्य हुआ है क्या आपके क्षेत्र? बिल्कुल हुआ है जी, विकास का कार्य। अच्छा, 10 साल पहले 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी, बहुत बुरा हाल था शहर का, जो अब काफ़ी सुधर चुका है, जो आगे असीम गोयल जी के आने से और सुधरेगा। क्या करते हैं बाबा? मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरी बुक्स की दुकान है जी। बुक्स की दुकान है, क्या कुछ विकास हुआ है या वैसे ही रह गया ये? विकास हुआ है जी, विकास क्यों नहीं हुआ? पीछे आपका 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, 10 साल का ये देख लो, बीजेपी का राज देख लो, बहुत विकास हुआ है, हर फील्ड में विकास हुआ है, कोई ऐसा फील्ड नहीं कह सकते जिसमें विकास नहीं हुआ। अच्छा, बाकी जो कहते हैं लोग, उनकी ख्वाहिश, हर एक आदमी की पर्सनल ख्वाहिश तो पूरी हो नहीं सकती, पर जो विकास हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ, ये बीजेपी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता जी। ऑटो चलाता हूँ भाई। ऑटो चलाते हो, विकास कुछ काम हुआ है यहाँ पे? काम क्या हुआ है, गड्ढे गुड्ढे हैं रोडों पे, गड्ढे गुड्ढे हैं और क्या हुआ है? हाँ, कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है, अच्छा काम हुआ है। तो काम आप कह रहे हैं रोड पे गड्ढे, रोडे थोड़ा गड़बड़ है, बाकी तो काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे? तो हमें तो अबकी बार बीजेपी लग रही है, बीजेपी लग रही है। बीजेपी तो पिछली बार भी थी, तो अबकी बार बीजेपी शायद है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना, कांग्रेस कहने का तो एजेंडा सबका है, कहते तो सभी रहते हैं कि हम ही जीतेंगे। अच्छा, नहीं कहने वाला तो हूँ, मतलब जो जीतेंगे सब मिल रही है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, कहते हैं तमाम योजनाएं परियोजनाएं लाई गई है, तो ये योजनाएं परियोजनाएं मिल रही हैं? हाँ, क्यों नहीं मिल रही हैं सर? क्या कह रहे हैं भाई? पेंशन मिल रही है, गल्ला मिल रहा है, बच्चों का जो आता है फंड वो मिल रहा है, सारा कुछ तो मिल रहा है और क्या। अच्छा, ये सभी उज्ज्वला योजना, 3-3 महीने हो गए, पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, सड़क नहीं है, पानी है, और आप कह रहे हो नहीं सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है मेरे को बताओ ना। मेरे से बताइए क्या क्या दिक्कत, कैसे हो रहा है? सड़क का हाल देखो आप बता दो, सड़क का क्या हाल है जी, चलते हुए सड़क का कोई हाल है? हाँ जी, ये सड़कें नहीं थी जी, ये सड़कें नहीं होया करती थी जी। मेरे से बात कीजिए, मेरे से बोलिए। हम सारा दिन रोड पे चलते हैं, तो ये हाल नहीं होया करता था जी। आप किस इलाके में जाके बता दो जी, मैं पूरे शहर में चलता हूँ सारा दिन जी। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, दिक्कत शहर में चलता हूँ, आप बताओ। मुझे तो पहली दिक्कत ही सड़क से है जी। अच्छा। ये सड़क सारी खोद के खा गए जी। हाँ जी, पानी की निकासी कोई नहीं है। हाँ। आज कपड़ा मार्केट जाना, हम जा नहीं पाते हैं जी। अच्छा। ये हमें दिक्कत है, तो हम अपनी दिक्कत रखते हैं जी, क्यों ना रखें, क्यों नहीं रखेंगे, एकदम बताएंगे आप। जो हमें दिक्कत है हम रखते हैं, आज हम कपड़ा मार्केट अभी जाना, हम जा नहीं सकते सीधा जी यहाँ से, घूम के जाना पड़ता है हमें, तो हमारी दिक्कत है, तो हम अपनी दिक्कत रखते हैं। एकदम एकदम। ये कुछ योजनाएं आप लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? योजनाएं तो सारी ठीक है जी, जो थी वो चल रही है जी। पीछे पेंशन की बहुत योजनाएं में बहुत खराबी थी, 3-3 महीने की पेंशनें फंसी हुई थी, बुजुर्ग परेशान थे, 10-10, 20-20 इकट्ठा करके पेंशन दफ्तर के चक्कर लगाते रहे हैं जी। बोलते हैं प्यार से आके बूटे मांगते हैं, हाथ जोड़ के, होता कुछ नहीं है।
अच्छा बस सभी 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 नेता जो हैं वैसे ही सभी सभी मतलब सभी पार्टी के या कोई एक ऐसी सभी ऐसी हैं। आपको कोई मिला नहीं उज्ज्वला वगैरह से गैस वगैरह सिलेंडर ये सब नहीं मिला आपको? आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बना? शायद वो तो बन रखा है। आयुष्मान कार्ड बनवा लिया आपने? अच्छा और हैप्पी कार्ड और ये सब पेंशन वगैरह कुछ ऐसा घर में नहीं? नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलने का वो भी नहीं मिले शायद? अप्लाई किया आपने? पहले करे थे। पहले किया था आपने? नहीं मिला अभी नहीं आया। ठीक है, मत मुद्दे पे ही बात करेंगे हम लोग, पार्टी और इससे हट करके बात कीजिए। क्या विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है या महरूम रह गए? सर अम्बाड़ा का तो नहीं हुआ, बाकी किसी का पर्सनल हुआ तो पता नहीं है। अम्बाड़ा का देख लो, शहर की बात ये देख लो, खंबे ऊपर करो तारे गिरने वाले और के खंबे, ये देख लो बिजली की है, मेरे ख्याल तार पानी में से निकल के जा रही है। देख लो सर ये टेढ़ी मेढ़ी तारे हैं, खंबा से टेढ़े हुआ बड़ा कब गिर जाए देख लिए खुद। विकास तो भाई साहब आप 2 घंटे पहले आते आंखों से देखते, वहाँ इतनी दूर हो गंगा जमुना मत्था टेकने के लिए लोड़ी नहीं जाने की यही टेक लेते हैं अम्बाड़ा में, घर घर में चल रही थी गंगा यमुना। अभी भी खड़े अपन अभी भी खड़ा होगा जी, देख लो अब दोबारा बीजेपी आ गई तो बड़ा महंगा हो जाएगा जी काम, हर एक को वोट लेनी पड़ेगी, 2-3 लाख रुपए की किश्ती है घर घर में लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी जितना पानी है तो काम पे कैसे जाएंगे जी, बाजार आना और किश्ती भी आना, बैटरी वाला चलता नहीं है वही चलेगी। ये विकास अम्बाड़ा का तो हुआ नहीं, बाकी किसी का हुआ तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ, कई काम हो गया यहाँ पे। सर किसी को लगता होगा हम तो कोई काम नहीं हुआ, तो जो 10 साल पहले कोई काम नहीं हुआ। मैं तो वही कह रहा हूँ, कपड़ा मार्केट देख लो आप, 2 घंटे पहले आते रहे खुद कहने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ऐसे पानी उठा के जाना पड़ता वहां तक। विकास यहाँ तो देख लो कहाँ हुआ है, खंबे आपको दिखा दिए, तारे देख लो गिरने को हो रही है। एक मिनट जरा ये महिलाएं जा रही हैं इनसे जरा बात करते हुए, एक मिनट रुके रुके रुके, कहाँ जा रही हैं आप बताइए, कुछ काम हुआ क्या? हाँ जी विकास, हमारे ये असीम गोयल ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कहते बहने जो बहने रात को निकल नहीं पाती दिन में। भाई साहब से बात करते हुए जरा चले जाएं, भाई साहब कुछ काम हुआ है क्या आपके क्षेत्र में? हुआ है तो कहते हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, काम नहीं हुआ है। जो भी चाहिए काम, क्या विकास जो भी चाहिए, सड़क बिजली पानी तीनों है, तीन ही मेन चाहिए। लोग कहते हैं कि सड़क नहीं खराब है, बिजली नहीं है, सड़क की बात जो है, सड़क पे जनता जो है नाराज है यहाँ पे, कह रही आप नहीं देख रहे हो, आप भी तो सड़क पे चल रहे हैं। हाँ मैं भी चल रहा हूँ, ठीक नहीं है। लेकिन मैं तो दूसरी जगह से आया हूँ तो मुझे तो इतनी जानकारी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसकी आप लोग बातें कर रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सड़कें यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है, देखो जनता जो दिखाई दे रहे हैं, देखो बीजेपी ने बहुत काम किया, जनता कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, जितना मर्जी जनता का कर लो, जनता यही कहेगी हमारा विकास नहीं हुआ है। आज के टाइम में विकास बहुत हुआ है, बीजेपी सरकार ने विकास बहुत किया है, लेडीज को बहुत सहूलत हुई है, लेडीज के लिए बीजेपी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। अब देखो उन्होंने ये योजना बनाई है, हर महीने 2100 रुपया लेडीज के अकाउंट में डाला जाएगा। हाँ जी अभी संकल्प पत्र अभी 8 तारीख को तक। हाँ जी ये तो उन्होंने भी बोला था, विजय कांग्रेस के टाइम में बोला था 8.5 हजार रुपया महीना आएगा लेडीज के अकाउंट में, कहाँ आए उनके मतलब ऑफिस में ताले लग गए, कहाँ गए 8.5 हजार रुपये। उन्होंने बहुत बहुत दावे किए थे पर एक भी दावा उनका सच नहीं निकला, एक भी दावा उनका सच नहीं निकला, कहाँ गए उनके दावे। बाला में भ्रष्टाचार ओवरफ्लो हो चुका है, जो विकास है ना वो ओवरफ्लो हो गया है, सड़कों पे बह रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है, हर गली मोहल्ले में घुस रहा है, पूरे देश को अपाहिज बना दिया है, इसके पूरे अम्बाला शहर को अपाहिज बना दिया है सरकार ने। आज जो 40 साल पहले गांव में कच्चे रास्ते होते थे, लोग मिट्टी डालते थे उन पे, आज हमारे रेलवे रोड मंजी साहब गुरुद्वारा जहां मर्जी जाके देख लो मिट्टी डाल डाल के गड्ढे भरे जा रहे हैं, सड़कें कई कई बार बैठी जा चुकी हैं, भ्रष्टाचार है। पुरानी फिल्मों में क्या होता था, डाकू गाँव को लूटने आते थे लेकिन गाँव का मुखिया डाकू के साथ मिला होता था, वही काम इस सरकार में हो रहा है, जितनी भी ये टाइलें लगी हैं हर चीज में कमीशन है, हर भ्रष्टाचार है, कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होया। काम हुआ है आपके गांव में, ये शहर में, अम्बाला शहर में? सर काम तो नहीं हुआ, जैसे पानी भरा हुआ है उसकी दिक्कत है, बहुत परेशानी है, पानी की बहुत परेशानी है, जनता परेशान है पानी की इस सड़क से ही, बाकी और सब सड़क के अलावा भी कई चीजों विकास का पैमाना बहुत चीजें होती है, सड़क होता है,
जो अंडर बना वो उसके अंदर पानी भरा रहता है, जाने आने की सुविधा, वाटर लॉगिंग की। हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये बताइए, सरकार तो बहुत दावे करती है ना कि बहुत काम करवा दिया हमने, ये सारी चीजें कर दिया, विधायक भी बहुत ज्यादा दावे करते हैं, तरह तरह के दावे करते हैं, कोई भी सरकार हो, दावे तो हर कोई करता, मगर काम करना चाहिए ना, काम के ऊपर है सबसे जरूरी, काम ही है, काम होना चाहिए, पब्लिक तो परेशान है ही है ना सर। अच्छा, किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है सर? देखो, वो कोई भी नहीं बता सकता सर। हाँ, कोई भी, ये तो साइकोलॉजी, वो तो एंड टाइम पे भी नहीं बता सकता सर, लास्ट टाइम पे भी नहीं बता सकता कि किसकी लहर लग रही है सर। देखो, अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा, क्या करते हैं। देखो जी, जो सीएम जी ने जो काम कराए ना, बिल्कुल एकदम सही कराए, चाहे कोई विश्वास करे ना करे, और ये गलत बोल रहे हैं जो उन्होंने करा है, ये सबको नजर आ रहा है, जो चलो रह गया वो भी वो कर देंगे, ठीक है नहीं, वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो आगे भी सही करेंगे, आने आने 5 साल जो आगे हुआ है आपके शहर में। हाँ जी, होया है, काम होया है, लोग कह रहे हैं सड़कें खराब हैं यहाँ पे पूरी, समझ नहीं। अब सड़कें देखो, जो पट्टेगा तो खराब तो होगी ना, उसको टाइम लगेगा सही करने में, टाइम तो लगेगा जी, टाइम तो हो गया था ना, टाइम तो कब का मिला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब जगह हुए, नजर नहीं आ रहा ये रोड सारे। क्या 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 बताइए, देख रहे हो ना आप, यहाँ से जाओ ना लेफ्ट मुड़ो, सारे गंदगी, सारे नर्क बना पड़ा, जंक्शन पॉइंट बना के बाढ़ गए, कोई ऐसे कोई काम नहीं करता इधर, कपड़ा मार्केट, अंबिका देवी मंदिर, शिवजी मंदिर, कहीं पानी, आप आगे थोड़ा ज्योति ढाबे पे चले जाओ, सारे कोई निकासी नहीं है, बिल्कुल भी निकासी नहीं है पानी की, कोई सड़कें नहीं है, कोई लाइटें नहीं है। सबकी बातें आप सुन रहे हैं, आप कंक्लूजन आप बताइएगा, सभी सच बोल रहे हैं या ऐसे ही सभी? नहीं, सब ठीक बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? नहीं, सब ठीक तो नहीं, अपने अपने व्यूज दे रहे, सब ठीक दे रहे, सब ठीक है, लेकिन आपका क्या व्यू? मेरे तो व्यूज, हम तो इन्हीं के सबके व्यूज के साथ हैं। बाकी तो काम बताइए, काम हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा तो विकास का ये है, देख लो पानीपुर में क्या हो रहा, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, ये होना चाहिए, और क्या, छोटी मोटी का काम तो छोटे लोगों को तो छोटे काम होते हैं, बड़े लोगों के काम होते हैं वो होते ही रहते हैं, बड़े काम, हाँ, बड़े काम होते हैं, छोटे लोगों के काम होने चाहिए, चलता रहे काम, तो हुआ रहे कि काम हुआ कि नहीं हुआ? बस औसतन है काम, तो औसत है, ना हुआ ना, दोनों बराबर ही बराबर हैं, चलते रहे। थोड़ी ना होगा कि आप जाएंगे वोट देने के लिए तो आप दोनों को देख करके आ जाएंगे, तो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे ही है, जब आप वोट डालने जाते हैं ना, मन तो जब ही बनता है, बाद पहले आप जो मर्जी कहते रहो, वहाँ जाकर के मन बनता है। हाँ, वहाँ जाके मन बनता है। अच्छा, काउंटिंग करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 पे जहाँ रुके तो वहीं पे जाके माहौल देख के, माहौल देख के, माहौल देख करके वोट देते हैं। माहौल ही देख के बनेगा या कैंडिडेट देख के बनेगा? सबसे पहले अभी तक देखा नहीं आपने कैंडिडेट कौन कौन है? अभी तो चलने दो ना, अभी तो 2-4 दिन के पहले ही पता लगता है कि कैंडिडेट कौन सा भारी है। हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा बढ़िया काम किया है कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सीधा बैंक में जाती है, और उसमें और कोई आदमी उसको ले नहीं सकता, और जब उसका जी हो वो जो जाके ले आए, इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है। और असीम ने बहुत काम किए, विकास का नाम ही असीम है। कृष्ण लाल कपूर है, क्या करते हैं? मेरी 83 साल की उम्र है, मैं गवर्नमेंट रिटायर। आपने तो हर किसी को देखा है आपने। हमने 34 साल रिटायर हुए को हो गए, 34 साल रिटायर, 91 अप्रैल का रिटायरमेंट हूँ। हर जो पार्टी आती है अपने नए नए वादे करती है, मगर असीम गोल ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। पेंशन टाइम से मिलती है, देखो कणक शणक तेल पानी सब गरीब गुरबों को मिल रहा है। इतना बड़ा अडम्बर जो है, भूखे पेट भर के सोते हैं, क्या उनको दुआएं नहीं है कि सरकार ने किया, पिछली सरकार ने, और ऑनलाइन कर दिया है, किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी सरस में देखा है, मैंने ऑनलाइन पैसे भरे हैं और हमारे लाखों रुपए आ गए हैं, सैकड़ों रुपए आए हैं, किसी की सिफारिश नहीं करी मैंने। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पोर्टल की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, किस भरने में बहुत दिक्कतें आती हैं? नहीं, भरने में कोई दिक्कत नहीं आती, भरवाने वाले में दिक्कत आती है। सही आदमी जहाँ मर्जी चला जाओ वहाँ ठीक है। मैं एक बताना चाहूँगा, ये कहते हैं भी आत्मनिर्भर बनाए हैं, 80 करोड़ जनता को ये राशन फ्री दे रहे हैं, तो ये उनको अपाहिज बना रहे हैं। फिर बात करते हैं मौजूदा विधायक की, आज ने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस चौक को बनाने पे 48 लाख रुपए लगे हैं, वो भी 8-9 साल पहले। उस चौक को मैं किसी एक लेबर क्लास को भी पकड़ लूँ ना, वो आज भी इसको 5-10 लाख में बना के तैयार कर देगा। ये चौक आपके सामने है, ये 35-38 लाख रुपए का बना हुआ है,
किसी अनपढ़ को भी देंगे ना आज भी, वो आज भी 5-7 लाख में बना देगा। ऐसा इसमें सोने के लगे हैं, बताओ मुझे, आप खुद दिखाओ, कैमरा घुमाओ, इसमें ऐसा क्या लगा है ये 38 लाख रुपए का है? कैमरा घुमाओ, कैमरा मैन आप देखिए प्लीज, ऐसा इसमें क्या लगा है जो ये 38 लाख रुपए लगे इसमें? चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौंक में 48 लाख रुपए लगे, जितने भी ये चौंक बने हैं सबके सब में भ्रष्टाचार भरा हुआ है चारों तरफ। ये तो सभी सरकारें ने इस तरीके सर आटे में नमक चलता है ना, नमक में आटा नहीं चलता, मानते हो ना चीज को? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, वो हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया, हिंदुओं के जो हमारी एक संस्था की कई जगह पे घटनाएं हुई है, जहाँ पे की कई बार सरकारें सरकारें जिम्मेवार है उस चीज के लिए। वो स्पोर्ट जो बाढ़ के अंदर मनमोहन नगर के अंदर सारा मनमोहन नगर डूब गया, वहाँ सरकार ने क्या दिया आप वो देखो ना। अब ये इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हैं, जैसे ही आर एच चौक क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे अफसरों की कोठियों की लाइन आ जाएगी सारी, तो वहाँ पे लुक वाली सड़क बनी हुई है, तो वहाँ भी भेदभाव क्यों है? या तो ये इंटरलॉकिंग टाइल्स SPDC ऑफिस के आगे भी लगनी चाहिए, उनके घर के बाहर भी लगनी चाहिए, या वो सड़क यहाँ भी बननी चाहिए। एक गड्ढा वो सामने है आप देखो, पिछले 10 साल में वो 8 बार बन चुका है वो गड्ढा, और फिर बना दिया उसको, और फिर टूट जाएगा महीने बाद, वो बार बार ठेकेदार आता है, ठेकेदार बना के फिर चला जाता है। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरी दुकान है। दुकान है? हाँ जी। कुछ हुआ है विकास का? विकास का देखो, कोई भी सरकार आती है पहले तो धुआंधार काम कर देंगे, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है उसके बाद वही काम बस सारा पानी में। अच्छा। बाकी अम्बाला की जो स्थिति पानी की है, अम्बाला शहर की? हाँ। अम्बाला शहर की सारा पानी से डूबा पड़ा है। अच्छा। पानी पानी से? पानी पानी से। अच्छा। कोई कहीं एक्चुअली क्या है कि कहीं भी लेवल नहीं है हमारे अम्बाला में, कई जगह ऊपर है कोई जगह नीचे है, नई सरकार आती है बस कई जगह से ऊपर उठा दिया कहीं से नीचे बस। अच्छा। ये मतलब विकास क्या करते हो आप? मेरा काम फोटोग्राफी का है। फोटोग्राफी का है? हाँ जी। अरे तो अच्छी अच्छी चित्र क्यों नहीं निकालते हैं, लोगों को तो दिखना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। बाकी अच्छे अच्छे चित्र दिखाएंगे तो नेताजी भी कहेंगे क्या रे वाह, कि चित्र ही गलत निकल जाता है यहाँ। ये बस यहाँ पे नवीनीकरण के नाम पर सिर्फ लिपा पोती हुई है, कुछ वैसे काम नहीं हुआ जैसे मतलब कि हम मेकअप कर दे ना, मेकअप हुआ है बाकी अंदर से काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मेकअप हुआ है? मेकअप हुआ है सिर्फ। आप आइए हाँ बताइए बताइए। पोर्टल जब आप यहाँ पे निगम में काम कराने चल जाओ, वो कहते हैं जी आज हमारा पोर्टल नहीं चल रहा, आज ये वाला पोर्टल नहीं चल रहा, आज NDC का पोर्टल नहीं चल रहा। सरकारी बाबू वाला हिसाब? हाँ जी। सरकारी बाबू जो है कहते हैं ना कि अचानक ही कहने लगते हैं। पोर्टल तो सरकार ने बनाया है ना, ये पोर्टल से होगा हर काम, तो पोर्टल जब उस पोर्टल पे काम नहीं होगा तो पब्लिक हैरान होगी। तो घर पे नहीं आप लोग पोर्टल तो आप अपने घर पे फुल कर सकते हैं? नहीं होता जी, नहीं होता, चलते नहीं वो पोर्टल ही नहीं चलते, सर्वर डाउन होता है उनके हमेशा। अच्छा, दिक्कतें काफी ज्यादा। रोजगार की दिक्कत है, युवाओं से पूछो ना, जो 20-25-22 साल का युवा है उससे पूछो कि रोजगार की क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। क्या करते हैं? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं आप? सड़कें सही हैं? बिल्कुल सही हैं सब कुछ? बिल्कुल सही है सर, सड़कें सही है। देखिए मेरी कहने का मतलब ये है, अगर बारिश आएगी ये क्या बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, सड़कें तो फिर मामूली बात है। हम ऑटो चला रहे हैं कोई बात नहीं, सड़कें आई हैं ख़राब हुई हैं उन्होंने फिर भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे को हमारे परिवार को सब कुछ मिल रहा है, असीम गोयल जी के राज में पीला कार्ड हमारा बनाया, मेरी माँ की विडो पेंशन है वो लग रही है, बेटी बचाओ बेटी अभियान वो भी चल रहा है, मेरे बेटी का भी ऑर्डिनेंस कार्ड बना हुआ है। अच्छा। हमें कोई दिक्कत आई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का जो एंटी पार्टी है वो तो इसका विरोध करेंगे करेंगे सभी विरोध। देखिए अगर 5 साल से ऐसी कोई बात होती तो 10 साल हमारी BJP नहीं आ पाती यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम आई है, किस वजह से आई है? इसी वजह से आई है कि उन्होंने गरीबों का सहयोग किया है। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारा सहयोग पूरी तरह से आया हुआ जी, हमारे पेंशन मम्मी की बिल काट रही है, हमारा पीला कार्ड बना हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, बच्चों की पढ़ाई में उसमें डेफिसिट लगा हमारा लगा हुआ है, हमें कोई दिक्कत आ नहीं रही इसमें। जो करेंगे बेरोजगारी बढ़ गई चारों तरफ, बेरोजगारी बहुत ही सब, अगर 50 में से 25 बंदे पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार है, 75 तो काम कर रहे हैं, 75 पढ़े नहीं नहीं हैं, 25 पढ़े हुए हैं, और 25 पढ़े हुए भाई साहब ने भी बोला है कि वो 25 साल की उम्र से लोगों से पूछो, 25 साल का बंदा क्या 25 साल का जो सब उनके राशन कार्ड रख, अगर मेरी माता जी का केला केला हैंडीकैप हूँ, हमारा पीला कार्ड बना था पीले से भी ऊपर गुलाबी, वो भी कार्ड दिया गया किस लिए? क्योंकि लोन लेने के लिए मैंने इनकम ज़्यादा दिखा दी, इसलिए मेरा वो भी कार्ड दिया। मैं असीम जी के पास ये तो मिस्टेक आपने किया ना कि लोन लेने के लिए आपने इनकम ज़्यादा बढ़ाई, तो कारोबार भी तो चलाना है। कोरोना ने ऐसा ख़त्म किया, मेरा जागरण का काम है भाई, कोरोना ने किसी कलाकार को कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था,
किसी को प्रभु इनकम ज्यादा तो बोला प्रभु मैंने सही कराने के लिए फिर सरकारें नहीं करती हैं, ये तो आपने मिस्टेक किया है। क्या करते हैं आप? नहीं बाबा से तो बात कर लिया, आप बताइए ना आप क्या करते हैं? बर्फ का काम है, बर्फ का काम है हमारा, बर्फ का काम है। अरे इसको ठंडक किसको पहुंचेगी? आइए, अरे आइए, सीने में ठंडक पहुंचेगी बताओ? असीम गोयल के पहुंचेगी। नहीं हंसते हुए बोल रहे, बड़ा दुखी दुखी आशीर्वाद है उसको। अच्छा हुआ है, काम हुआ है क्या? हाँ जी काम हुआ है, शहर काम तो हुआ है शहर में। क्या हुआ है? बहुत सारे चौक चौराहे सड़कें तो सब बनी है। अच्छा एक मिनट, ये जो चौक बने हुए हैं क्या इससे बेरोजगारी दूर होगी? फिर हमारे बच्चों का विकास होगा? ये इनको बोलने दीजिए। फिर ये बरसात में देख लो, एक छोटी सी बरसात आती है और त्राही त्राही हो जाती है पूरे अम्बाला शहर की। ये जो चौक बने हैं क्या इससे बेरोजगारी दूर होगी? हमारे बच्चों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए क्या हमें? चौक चाहिए? चौकों से और भी यहाँ पर भीड़ परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं। यदि तो आपका चौकों से काम चलता है तो आप चौक 10 गुना ज्यादा और बनवाइए। घर में रोजगार रहता तो चौक बनाइए। सभी बेरोजगार हैं भाई, सभी बेरोजगार हैं। हम काम हुआ है आपके शहर में? कुछ भी नहीं, लाइट अंधेरा, सारा पूरा चौक में अंधेरा रहता है। पहले लाइट जलती थी, बिल्कुल अंधेरा रहता है पूरे चौक में। अच्छा कभी भी रात को देखो अंधेरा होगा, बिल्कुल अंधेरा। ये देखो क्या हाल हो रहा है, बेकार। 10 साल में कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं। किसका जोर दिख रहा है? निर्मल सिंह पक्का 100% कांग्रेस। कांग्रेस और पूरी हरियाणा में सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस पक्का 100%। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास का कार्य भी हुआ है। कुछ भी नहीं, देखो आपके सामने है ये चौक देखो। हाँ। रात को देखो कोई लाइट नहीं जलती यहाँ पे, कुछ भी नहीं, अंधेरा रहता बिल्कुल। अच्छा मतलब कुछ हुआ नहीं? कुछ भी नहीं यहाँ अम्बाला में, कुछ भी नहीं हुआ काम। ठीक बिल्कुल ठीक है। ये तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों के साथ में यहाँ पर जनता से हमने बात किया। हमने जिन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करेगी, किस मुद्दे पे जाकर के जनता वोट करेगी, ये तो देखना ही होगा। और कौन यहाँ से निकल करके सामने आता है, किसके वादों पर जनता को ज़्यादा विश्वास हुआ, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया अम्बाला।